अब आप जानते ही है कि हर चीज का विकास होता चला जा रहा है, हर चीज का, खेती बढ़ रही है, लेकिन पहले जो था वो थोड़ा सा इसमें काम कम होता था, पशुएं बहुत सदखा था, तो उसके लिए और ज्यादा विकास के लिए हम लोगों ने उसी के माध्यम से शुरुआत कराया। और शुरू में लोगों को बाहर भेज भेज के हम लोग दिखवाए कि कितना ज्यादा आप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो हम लोगों ने काम किया है उसी के चलते, और हर जगह से खाली पशु ही नहीं, मछली का, मुर्गी का, सबका जो है, बकरी, इन सब चीजों का बाहर भेज भेज के सब लोगों को दिखाया है कि पहले कहां होता था, कितना कम मछली का होता था, कितना कम मुर्गी का होता था सब कुछ, और अब संख्या कितनी बढ़ गई है। हम लोगों ने तो कृषि रोड मैप में टारगेट रख दिया, लक्ष्य रख दिया, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी थोड़ा और आगे बढ़ना है, लेकिन जो बाहर से सब आपके रखता था, तो उसके चलते यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, तो बड़ी बड़ी बात है। इसके पशु मत्स्य संसाधन विकास का भी बहुत बड़ा काम, पशुओं का और सब चीजों का, और उसके अलावे सबकी पढ़ाई के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, जो हम लोगों ने बनवाए तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनवाया, तो हम लोगों ने जो बना दिया यहाँ का पशुओं के लिए अलग से यूनिवर्सिटी, तो ये सब तो इसके बारे में शिक्षा नहीं, और जो कुछ भी किया गया पहले तो मात्र एक आध जगह ही पढ़ाई हो रही, तो हम लोगों ने तब कई जगहों पर इसको पढ़ा दिया, अभी आप लोगों को बताया गया, अनेक जगहों पर हम लोगों ने ये सब काम करना शुरू किया है। अब ये सब जो समझ लीजिए, एक एक चीज के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, अब उसके चलते काफी सुविधा हो गई। अब आप तो जानते हैं ना, हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी पढ़ा रहे और पशु और मत्स्य संसाधन को ध्यान में रखते हुए भी कई तरह के इसको बढ़वा रहे हैं, विश्वविद्यालयों को बढ़वा रहे, सब तरह का कर रहे हैं, कॉलेज को बढ़वा रहे, तो एक एक चीज को हम लोग जो काम कर रहे हैं। अब आपको जानते हैं कि कितने जगह पर कर, अब पटना में डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, किशनगंज में फिशरीज कॉलेज, और किशनगंज में ही वेटनरी कॉलेज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, उसकी भी स्थापना, तो सब लोगों की पढ़ाई, और अभी तो जो यूनिवर्सिटी का काम जो शुरू किया हम लोगों ने, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, और नामकरण हम ही लोगों ने किया, पहले लोग सोचते थे पशु विश्वविद्यालय, हमने कहा कि नहीं, यह एक विज्ञान है, इसका उसका नामकरण किए हम लोग पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अगर आप पता कर लीजिए, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय सबसे पहले बिहार में नामकरण हुआ, और इसके बाद पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अब अन्य जगहों पर भी नामकरण शुरू हुआ, तो हम लोगों की बात को कोई भूलता है?